सो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माई मिनी शॉर्ट्स तो क्या कहेंगे, मिनी व्लॉग बोलेंगे बेसिकली। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं चैती गई थी और मैंने ये बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या सामान लिया है, क्योंकि वो इंस्पेक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट डे मैंने सामान लिया क्योंकि ऑलरेडी सेम था तो मैंने शूट नहीं किया, बट मैंने क्या लिया है वो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये वो बैग है, मतलब ये मैंने नहीं लिया, ये ऑफकोर्स मैंने नैनीताल से लिया था ना, ये हैम्प वाला। हाँ तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ तो पैसे हैं, लेट्स ओपन इट। सबसे पहले निकलेगा मेरा हेयर बैंड जो मेरे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी, इस तरीके की एक किट टाइप की थी, इसके अंदर आप कोई भी अपनी छोटी सी एसेसरीज भी रख सकते हो। एंड देन इसे जिप लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद मैंने क्लेचर्स लिए थे कुछ, क्योंकि मुझे बाहर क्लेचर वहाँ पे सही रेट पे मिल गए थे, अराउंड 10 to 20 रुपीज़ का अगर मैं कहूँ तो। ये मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा था, पर्ल वाला, और बाकी ये अच्छे थे। तो ये मेरी नेक्स्ट शॉपिंग थी। फिर मैंने सबसे अच्छी ये लिए थे क्योंकि मुझे वीडियो के कंटेंट के लिए कुछ मटेरियल रखने के लिए कुछ स्पेस चाहिए था, जिसमें मैं ये मतलब जिनमें जो स्पेस में नहीं जिसमें मैं ये चीज़ें यूज़ कर सकूं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी तो चैती मेले में ही मुझे मिलता ये चीज़ें, तो मैंने ये ले ली। एंड नेक्स्ट जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो मैंने ली थी, इयर रिंग्स। दीज आर माई ब्यूटिफुल इयर रिंग्स। मेरे पास एक सेट ऐसा था लेकिन उसका ये टूट गया था, एंड उसके पास उसमें ये भी नहीं था अटैच करने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर सी इयर रिंग्स हैं, मुझे इयर रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया था, ये थोड़ा यूनिक से लगा तो मैंने ये लिप लाइनर ले लिया वहाँ पे से, अपने लिपस्टिक के साथ स्मर्च करने के लिए। देन आई बॉट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ जो मैंने खरीदी है चैती से वो ये है, इस तरीके का। ये बहुत लंबा सा स्कर्ट है, स्कर्ट नहीं कुर्ती है पूरी। मैं इसको पहन के ज़रूर बताऊंगी किसी वीडियो में, काफ़ी सुंदर थी, इसका प्रिंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही था मेरे लिए। देन द बेस्ट चीज़ जो मुझे मेले में लगी, जो मैंने वहाँ से खरीदी, आप लोग कॉमेंट में बताना आपको पसंद है या नहीं पसंद है। ये देखो, देसी मार्शमेलो जिसे हम कह सकते हैं, ये चॉप, ये डिफरेंट इमली तो नहीं होंगी, चूरन का गोला होता है शायद ये। चांद सितारे बचपन में मैंने बहुत खाए हैं, अब तो सितारे रह गए हैं। ये भी सेकंड पैक था, और ये हिंगोली, तो ये तो खाने वाला सामान था, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा कीमती सामान है मेरा। एंड देन हाँ, एक ये मेरा साड़ी से मैच करता हुआ मैंने ये इयर रिंग लिया, स्कूल की साड़ी से कह सकते हैं। एंड देन सबसे महंगी चीज आ रही है, दूसरी एक्सपेंसिव चीज, ये है वो बैंगल्स। तो ये कुछ इस तरीके की बैंगल्स हैं, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, उसके लिए ये वाली उतार देती हूँ। ये बहुत सुंदर सी बैंगल्स, देखो जा वहाँ तो घुस गई थी, इस तरीके की है। मतलब अभी हाथ पे कुछ तो भी थोड़ा हार्ड हो गए ना काम कर करके, ऐसे कुछ इस तरीके की बैंगल्स थी। तो मैंने इसमें कुछ पेयर लिया था, मतलब ये इसका पेयर, ये दूसरा था मरून वाला। पिंक का मैंने पेयर नहीं लिया क्योंकि मैंने कहा इसे सोने सिंगल ही डालते हैं। येलो का पेयर लिया था सो दैट कि ये किसी फंक्शन में यूज हो जाए, किसी साड़ी में। एंड ये मल्टी था जो मोस्टली समझ चला जाए। तो चैती में जो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ वो अब जो जिसमें आप खर्च कर सकते हो और आपको रीजनेबल रेट भी होगा वो ये बैंगल्स है। एंड इयर रिंग्स भी ठीक हैं पर ज़्यादा मुझे खास नहीं लगी इस बार, लेकिन बैंगल्स हाँ आप जा सकते हो, बैंगल्स अच्छी हैं। बाकी और भी सामान है जो आपको रीजनेबल रेट से बहुत सही मिल जाता है, मतलब बहुत बढ़िया देखा जा सकता है, बट ढूंढना आना चाहिए। एंड क्रॉकरी तो बेस्ट मिलती है। तो ये था जो मैंने चैती से लिया। बाकी दो चीज़ मैंने और ली थी, वो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं अराउंड इतना साइज था, हाँ आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, बीच बीच में आए थे। तो यस यही था। और हाँ एक और चीज़ ये मैंने लिए थे, इसके तीन सेट हैं, इसमें मैंने अपनी कुछ खाने की चीज़ रखी। एंड देन इसको एयर टाइट कंटेनर बना लिया है,
बंद हो गया। हाँ तो ये मुझे पड़े थे अराउंड 30 के, सॉरी 100 के 3 समथिंग थे, एंड बाकी तो आप वहाँ जाके अब देख लेना। तो ये था आज का मेरी व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये स्पेशली अच्छे लगेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना कि आप चैती अभी तक गए हो या नहीं गए हो, ना आपको सबसे बेस्ट चीज़ वहाँ की क्या लगती है जो आपने खरीदी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।